उसको रिक्वेस्ट आती है, मैं उसको ऐड करता हूँ, पास हो जाता है। अब देखो ये साइक्लोहेक्साडाइन ब्यूटाडाइन, यही हो रहा है ना रिंग ओपनिंग में। सर अब इसमें सबसे ब्यूटाडाइन आसान सर आसान तरीका। हेक्साडाइन हाँ सर ये हेक्साडाइन होगा, हेक्साडाइन में होगा ना। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, हेक्साडाइन है ना, सही। 1 2 3 4 5 6, हाँ, दो मैंने छोड़ दिए उसको। हाँ सही, छह कार्बन होने चाहिए ना, हेक्साडाइन। डबल बाण या दो डबल बाण या 3 डबल बाण जाए, सही। अब जो अब नव देखो, जस्ट कौन से न्यू बाण बन रहे हैं। एक तो ये न्यू, ये खत्म हो रहा है सिग्मा बाण, यहाँ का सिग्मा बाण, और यहाँ पे दो न्यू पाई बाण बन रहे हैं। तो हम देखेंगे न्यू बाण बनने वाले दो, ये एक बाण, ये सिग्मा बाण, ये जो ये वाला, और ये दो पाई बाण नए जो बने, ये है ना हेक्सा ट्राइन। इसमें नए बाण कौन से बने, ये मैंने एरो लगाए हैं। एक डबल बाण यहाँ आ गया, एक डबल बाण यहाँ आ गया, ये सिंगल बाण टूट गया। तो जो नए बाण बने हैं या नए जो टूटे नए बने, हम उसको उनको ही देखेंगे। तो कौन से वाले, एक तो ये, दो ये ऑर्बिटल हो गए, एक पाई बाण यहाँ, पाई बाण, एक सिग्मा बाण। एक बाइन पाई बाण मतलब दो लोब्स, एक ये लोब, एक ये लोब, ब्यूटा डाइन, इस तरह अगर लिखो ना ये। अब देखो ये पहला भाग में होता, ब्यूटाडाइन तो नहीं लिखेंगे ना, हाँ वो, हेक्साट्राइन तो हाँ तो करेंगे। समझो समझो, एक बात समझो। अब देखे, मैंने आपको कहा था दो कंपोनेंट चाहिए, वी नीड टू कंपोनेंट्स। तो आप देखो कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट इजी करने के लिए, एक तो ये कंपोनेंट है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो बचा इथिलीन क्या यहाँ, हाँ इथिलीन नहीं, इथेन, सिर्फ इथेन, डबल बॉन्ड नहीं है ना यहाँ, सिंगल बॉन्ड इथेन, कार्बन यस। कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका ल्यूमो होमो क्या होगा, सिग्मा, लिमो लिमो क्या होगा, इसका अच्छा ही रहते सिग्मा स्टार। फिर ब्यूटा डाइ, अब देखो इसको कंपोनेंट कौन सा बन रहा है, ये देखो कंपोनेंट से एक ये सिग्मा और दूसरा ये पूरा ब्यूटा डाइन। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो किस, एक होगा ये ब्यूटा डाइन प्लस होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दो कंपोनेंट, वी हैव टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट अनदर कंपोनेंट। ये एक मिनट है, रिक्वेस्ट आ रही है, स्पेल करूँ। अब देखो ये वन कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट का हमें लोमो ल्यूमो, दूसरे का होमो, या एक का होमो दूसरे का लिमो, हमेशा मुखालिफ होनी चाहिए, एक का होमो दूसरे का लिमो। वो किस तरह करेंगे, तो दो कंपोनेंट कौन से हमारे, एक कंपोनेंट कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड, और दूसरा ये पोर्शन है, ये है ब्यूटा डाइन। अब ब्यूटा डाइन में कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड ऐड करेंगे तो चार कार्बन ये हैं, दो ये हैं, तो छह हो जाएंगे। इसलिए अगर तोड़ोगे इसको आसान करने के लिए, एक हो गया अपना कंपोनेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दूसरा हो गया ये पूरा ब्यूटा डाइन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ल्यूमो होगा सिग्मा स्टार ब्यूटा डाइन। अगर ब्यूटा डाइन का होमो होगा ब्यूटा डाइन का, वैसे सिग्मा वन है, इसका जो एक्साइटेड होमो वो होगा साई टू। अब साई टू की पोजीशन क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर आपको याद है साई टू की पिक्चर क्या होती है, यस सर, ऑर्बिटल प्लस 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 माइनस प्लस माइनस। माइनस माइनस, और ये हमें उसका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्या है, सिग्मा स्टार ल्यूमो का। तो सिंगल बॉन्ड इस तरह हो जाएगा, हमें दो कंपोनेंट मिले ना, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दो है ये देखो, दो है वो कार्बन का डबल बॉन्ड वाले ब्यूटाडाइन। दो हमने पोर्शन इसको काटा ना बीच में से, तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, दूसरा ब्यूटाडाइन। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ब्यूटाडाइन। तो मैंने ये लिखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका ल्यूमो ये होगा सिग्मा स्टार, और ब्यूटाडाइन का होगा होमो, वो होमो क्या होगा, होमो स्टार, एक्साइटेड स्टेट ऑफ होमो। एक है सिग्मा साई वन, दूसरा है साई टू, तो ये ब्यूटा डाइन का साई टू हो गया इसका होमो एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ होमो, दैट इज साई टू। अब साई टू की पिक्चर क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हमने पिक्चर अभी बनाई है।
इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे? इसका मकसद है ब्यूटाडाइन। अब ब्यूटाडाइन को अगर ऑर्बिटल पिक्चर में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ये समझ में आई इतनी बात? यस सर। ये ब्यूटाडाइन जो ये लिखा हुआ, ये ब्यूटाडाइन लिखा, ठीक है। इसका साइड टू, ये पिक्चर है साइड, हमारे पास चार है ना, साइड वन, साइड टू, साइड थ्री, साइड फोर। तो ये साइड टू का मैंने पिक्चर लिखी है, ये ब्यूटाडाइन है और ये इसकी ऑर्बिटल पिक्चर है। सर ब्यूटाडाइन को जब एक्साइटेड करेंगे तो साइड थ्री होगा ना? ब्यूटाडाइन का होमो, ब्यूटाडाइन एक्साइटेड, एक्साइटेड नहीं है ना सर? आपने ये होमो लगाया? हाँ लगाया यहाँ होमो के ऊपर। हाँ पता नहीं क्यों लगा, उस पर लगाना था, ये अलग गया। अब ये पोजीशन इसकी, ठीक है। अब इसको बैठा दो, ये चीज यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर मिल गई, इसको बैठाओ क्यों जगह बन जाए थोड़ी। यस सर। ये इसको बैठाओ, नहीं बेटा है दबा। बिस्ट एंड कार्नोटिक, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम द थर्मल रिएक्शन इन विच फर्स्ट यू स्टार्ट विद द बिस्ट रोटरी। तो दिस रोटरी में एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा क्लॉकवाइज। अब देखो पिक्चर, ये सेम मैं लिखता हूं यहां पे, ये देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, यहां प्लस। और ये जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो है सिग्मा ऑर्बिटल के, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों? सिग्मा स्टार, अगर सिग्मा होता तो प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होता? अब ये हमारे, हाँ सिग्मा स्टार तो उसका प्लस माइनस होगा, हमेशा चार्जेस अपोजिट होंगी, ठीक है। यस सर। अब देखो इसका, अब इसको डिसरोटरी करें तो ये प्लस इस तरफ चली आएगी, ये जो लोब है ऊपर चला आएगा, तो यहां जाएगा ना, इसका ऊपर आ गया ये प्लस, और इसका ये भी ऊपर आ गया, इसका आ गया माइनस। वीडियो पॉज हो गई। आ गया आ गया साइलेंट गया। हले भाई थोड़ा नेट के मसलों से थोड़ा तो पास के मसले, नेट के मसले करें। अब देखो ये भी ऊपर माइनस, अब देखो ये प्लस है, लोग आ रहे हैं वीडियो, आ रहे यस सर, यस सर, वीडियो अच्छे भी बाबा, यस सर, यस जी जी सर, अच्छे हियर इट्स पॉजिटिव। हां ठीक है, पॉजिटिव तो ऑफ पी ऑर्बिटल and this sigma orbital positive, this will also go upward, so already there is positive lobe of p orbital, here now positive lobe of sigma orbital, so now both will have on the same position here on this side, you see here already there is minus on upper side, so now if you move this rotatory, this will go also upside, so negative negative, both sides are here positive positive, negative negative. If both orbitals have same charge, then we say it is bonding, it is also bonding, so now we say one bonding plus one bonding, two bonding. If two bonding means, if two reaction bonding means reaction is allowed, ye distribute allowed baad ek bar repeat kar de, ha kar do. Ab dekho ye hai p orbitals ya pi orbitals, plus plus minus minus, ye sigma orbitals, sigma stars प्लस और माइनस। अब क्या कर रहे हैं हम, ये थर्मल रोटेशन, थर्मल रिएक्शन, उसमें डिसरोटरी हम कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉक जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, दिस मींस अपोजिट। अब ये पॉजिटिव जा रहा है इस साइड ऊपर, ये इस साइड में ऊपर, तो ये ऑलरेडी ऊपर, इस पर कौन सा लोब है, माइनस, कौन सा पाई का, या पी ऑर्बिटल को या पाई को, इस तरफ ऊपर वाला पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ये आ रहा है समझ में? अब देखो, अब मूव करेंगे दोनों को डिसरोटेटरी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इस तरफ मूव करेंगे, इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव यहाँ अलेडी लोब है, तो अगर इसको करेंगे ऊपर, नेगेटिव एक है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों नेगेटिव एक ही साइड पे आ जाएंगे,
इस तरह देखो पॉजिटिव को इस तरह मूव करेंगे तो पॉजिटिव ऑलरेडी पाई का ऑर्बिट कलर मौजूद है यहाँ, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर, तो दोनों पॉजिटिव एक साइड पे आ जाएंगे। जब भी दो चार्ज एक साइड पे आ जाए उसको कहेंगे बाइंडिंग ऑर्बिटल, तो ये भी बाइंडिंग ऑर्बिटल बन गया, ये भी बाइंडिंग ऑर्बिटल बन गया। दो बाइंडिंग ऑर्बिटल जब भी हो वो रिएक्शन अलाउड होता है, दो नेगेटिव एंटी बाइंडिंग वो भी अलाउ होता है। अगर एक बाइंडिंग हो एक एंटी बाइंडिंग हो वो अलाउ नहीं है। रूल क्या है, दो बाइंडिंग हो दो एंटी बाइंडिंग हो या ये दो बाइंडिंग और दो एंटी बाइंडिंग, ये अलाउ है। अगर एक बाइंडिंग है एक एंटी बाइंडिंग है तो अलाउ, रिएक्शन इज नॉट अलाउड। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ये भी बाइंडिंग है। एक चार्ज एक जैसी आ जाए तो उसको कहेंगे बाइंडिंग, तो ये बाइंडिंग ये भी बाइंडिंग, दो बाइंडिंग, इसका मतलब थर्मल रिएक्शन। ये कौन सा रिंग ओपनिंग है, कौन सा सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रिंग ओपनिंग में थर्मल रिएक्शन डिस रोटेटरी रिएक्शन इज अलाउड। अब इसको करेंगे फोटोकेमिकल, समझ में आ रही है? यस सर। एक थोड़ा यहाँ पे ये मैं थोड़ा फिर से लिख दूँ, ये ना ये इस तरह, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव डिस्ट्रोटेटरी, ठीक है? अब इसको देख लो, ये समझ में आया? यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव जा रहा है क्लॉकवाइज। ये तो नेगेटिव पोल ऑलरेडी पाई ऑर्बिट का मौजूद है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम यहाँ इस साइड पे पास दोनों पॉजिटिव है, इस साइड पे दोनों नेगेटिव है। अगर मूव करेंगे तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो ये बन जाएगा बाइंडिंग ऑर्बिटल। इस तरह देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्बिटल्स बनाए, ये सिग्मा बॉन्ड के हैं, ये कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसके ऑर्बिटल्स बनाए। ये वाले सिग्मा वाले, ये वाले ये जो पाई के हमेशा दो लोब्स होते हैं, सिग्मा ऊपर वाले चारों तो पाए के हैं और नीचे वाले जो किसी का भी ल्यूमो लो, एक का लाजमी एक होमो लेना है, दूसरे का ल्यूमो लेना है। तो ये अगर वो भले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का होमो लो, कार्बन ब्यूटाडाइन का ल्यूमो लो, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ल्यूमो लो उसका होमो लो, रिजल्ट वही आएगा। ये आप प्रैक्टिस करके देखें, भले अगर नहीं हो रहा तो कहीं आप गलती कर रहे हैं, इसको कंफर्म करने के लिए आप करके देखें, अगर सही आ रहा है तो ठीक है, वरना आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा रिपीट करो। यस सर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कौन से कंपोनेंट है, एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कौन सा बनता है, एक दो तीन चार, हाँ कुछ 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 नेट के मसले थे, तो कुछ नेट के मसले थे उन्हें करते दो, है ना, एक दार ट्राई इधर लिखू यही कहूँ या पाँच लीमो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लीमो हिंजो होमो चबो होमो ऑफ एक्साइटेड स्टेट, होमो ऑफ एक्साइटेड स्टेट हूँ पान छा चु लीमो हिंजो साथ में हिंजो लीमो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लीमो छा दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लीमो सिग्मा सिग्मा होमो लीमो छा सिग्मा स्टार हेक्साट्राइन हिंजो याद है ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 कौन सा बनेगा, 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
सिर्फ यहाँ तक समझना था, अब सब बिल्कुल आसान पड़ा है। अब इसके आप ऑर्बिटल पिक्चर बने तो क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका साइज थ्री की क्या क्या तरीका, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस, याद है साइज थ्री का? हाँ ये है ना, इस तरह
ये होगा एक दो तीन चार पांच नहीं एक प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ठीक है और ये होगा यहाँ पे जाकर इस तरह ये ना सिग्मा का बार सिग्मा बार इसका सिग्मा स्टार प्लस और माइनस यहाँ क्या है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हेक्साट्राइन का याद है ना प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस तो पहले थर्मल रिएक्शन और डिसरोटेटरी अब क्या होगा इसमें यहां इस तरह प्लस है दोनों इस तरह भी प्लस है इसमें एक प्लस है एक माइनस है समझ में आ रहा ना बाबा अब डिसरोटेटरी करेंगे तो क्या होगा दिस विल गो एक बाउंडिंग एक इंडिपेंडेंट वन विल बी गो वन विल गो वन विल गो क्लॉकवाइज अनदर विल गो एंटी क्लॉकवाइज तो पिक्चर क्या बनेगी ये सिर्फ इसको देखो ऊपर आखिरी वाले को पूरी पिक्चर नहीं मैं निकालता हूँ यहाँ देख लो देखो ये हाँ हाँ सही सही कह रहे हैं ये पॉजिटिव ऑलरेडी है और ये भी सिग्मा वाला पॉजिटिव तो ये आ जाएगा एक बाइंडिंग बनेगा इस तरफ वाले देखो तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है पाई का तो ये भी आ गया ये आ गया नेगेटिव तो ये बन जाएगा एंटी बाइंडिंग तो वन बाइंडिंग वीडियो स्टॉप वन एंटी बाइंडिंग रिएक्शन इज नॉट अलाउड